बौद्ध धर्म विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित धर्मों में से एक है। आज के समय में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी मौजूद हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। भगवान गौतम बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और इनमें से कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की सूची में भी शामिल हो चुकी हैं। ये सभी प्रतिमाएं अलग अलग कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जी की सभी मूर्तियों में एक कॉमन बात देखने को जरूर मिलती है, वह समान चीज़ हैं उनके बाल। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में आपको घुंघराले बाल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असलियत में गौतम बुद्ध जी के सिर पर जो हमें बाल दिखाई दिया जाते हैं वह उनके बाल नहीं बल्कि 108 घोंगे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बौद्ध धर्म के त्रिपटक में से विनय पटक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आपका तन और मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। अपने तन की पवित्रता के लिए ही बौद्ध भिक्षु अपने सर का मुंडन करा लेते हैं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने भी अपना राज्य त्याग करते समय अपना मुंडन करा लिया था। इसी बात से जाहिर होता है कि गौतम बुद्ध जी आज भी भिक्षुओं के भांति ही गंजे हुआ करते थे और आज के समय में जो उनकी मूर्तियां के सिर पर आकृति बनाई जाती है वह उनके बाल नहीं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मग्न थे। वह अपनी साधना में इतने ज़्यादा लीन हो गए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सुध-बुध ही नहीं रही थी। उस समय गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सर पर मौजूद था। जिस समय वह कड़ी तपस्या में मगन थे उसी दौरान एक घोंगा उनके पास से गुजर रहा था। भगवान बुद्ध के प्रताप को देखकर वह घोंगा वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इतनी गर्मी में ये किस प्रकार साधना में लीन है, इनके सर पर तो बाल भी नहीं है, ऐसे में इन महात्मा को अधिक गर्मी लग रही होगी। यह विचार करते ही वह घोंगा गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगता हुआ उनके सर पर पहुँच गया। उसने सोचा अगर मैं इनके सर पर रहूँगा तो इन्हें गर्मी का एहसास कम होगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो घोंगे का शरीर होता है वह थोड़ा लचीला और नमी वाला होता है। घोंगे को पकड़ने से ठंडक का एहसास भी होता है। एक घोंगे को ऐसा करते देखकर कई घोंगे उसके पीछे पीछे गौतम बुद्ध जी के सर पर चढ़ गए थे। कुल मिलाकर 108 घोंगे ने बुद्ध जी के सिर को पूरी तरह से कवर कर लिया था। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति में उन 108 घोंगों का अहम योगदान माना जाता है, जिन्होंने अपनी जान देकर भी उन्हें गर्मी से बचाने में मदद की थी। उन 108 घोंगों की स्मृति में ही भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों के सिर पर आज भी घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है। वहीं कुछ लोग इस कहानी को सत्य नहीं मानते हैं। उनके अनुसार भगवान बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर वास्तव में बाल ही बने हैं। वन में विहार करते समय गौतम बुद्ध जी के बाल इतने बढ़ गए थे और उन्हीं बालों के साथ वे तपस्या भी करते थे। तपस्या करने के दौरान अधिक गर्मी से उनके सर पर बाल जल गए और वह घुंघराले आकार के हो गए। आज भी विश्व के कई गर्म इलाकों में लोगों के बाल जलकर घुंघराले हो जाते हैं। इसी आधार पर भगवान बुद्ध जी के बाल घुंघराले बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान बुद्ध जी के बाल ऐसे क्यों दिखाए जाते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।